मुंह और आंख में पट्टी बंधी हो, कुछ शवों के हाथ पैर बंधे हुए मिले हैं, पुलिस आत्महत्या इसे मान रही है और जांच पड़ताल कर रही है। भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल मौजूद है, 7 पुरुषों और 4 महिलाओं। यहाँ पर सुबह हम लोग दुकान खुल जाती है इनकी 6:30 बजे, जब दुकान नहीं खुली तो सामने वाले अंकल जी गए ऊपर, देखा तो सब जाल में लटके हुए हैं, सब ने सुसाइड किया हुआ है। कुल कितने लोग थे घर में? घर में 11 आदमी थे। 11 की मौत हो। देखिए, आज सुबह मेरे पास 8 बजे फोन आया कि इस एक घटना हुई है जिसमें 11 सदस्य एक ही परिवार के, जिनके जिनका लटका हुआ मिलेगा, सुसाइड किया हुआ है। जब मैं घटना स्थल पे आया, पता चला कि ये परिवार बहुत ही नेक परिवार था, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा था, हमेशा कीर्तन भजन करने वाले परिवार थे। तो हालांकि यह बात अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठोस कोई जानकारी मिल नहीं पाई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी सुबह सुबह पता चला और जैसे ही पता चला मैं मौके पे तुरंत आई। शुरू में सब लोग कह रहे थे कि कुछ लोग डर से भी नहीं बता रहे थे कि हम जानते हैं, कुछ लोग बता रहे थे नहीं जानते हैं, लेकिन अब जो पता चल रहा है ये परिवार बहुत ही सज्जन परिवार थे और तकरीबन 22-23 साल से यहाँ रह रहे थे। ललित जी और दूसरे भाई भुवनेश्वर जो यहाँ मौके पे रहते थे, एक का परचून का दुकान था और एक का प्लाईवुड का काम था। जो ललित थे वो प्लाईवुड का काम करते थे और उनके एक बच्चे थे। अभी मैं सॉरी, कुछ देर पहले 3 बच्चे के बारे में मुझे जानकारी था, लेकिन ललित जी के 1 बच्चे हैं और भुवनेश्वर के 3 बच्चे हैं, एक उनकी सिस्टर, एक भांजी, एक माँ, और सबके सब लटके हुए मिले। और कुमार पुष्कल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, अभी का क्या अपडेट सामने आ रहा है? बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला है, उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। 11 लोगों के बारे में एक अपडेट तो ये है, आप स्पॉट पे हैं, जरा हमारे दर्शकों को सब कुछ क्लियर कर दीजिए, आप काफी देर से वहां मौजूद हैं। बिल्कुल राहुल, यहां पर जो जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई है, काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह की घटना सुनने में आई है। बुराड़ी का संत नगर इलाका है जहां पर एक परिवार के 11 लोगों की मौत होती है, लेकिन फिलहाल वजह साफ तौर पे क्लियर नहीं हो पाता कि आखिरकार यह आत्महत्या है या हत्या। लेकिन फिलहाल 4 घंटे से पुलिस मौके पर मौजूद है और तमाम फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम यहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल जो डेड बॉडी है अभी भी घर में है और फिलहाल थोड़ी देर बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल यही प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार ये परिवार ने आत्महत्या क्यों की, क्या इस पूरे परिवार की हत्या होती है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करे। हमारे साथ मौजूद हैं इस परिवार के फैमिली फ्रेंड हैं नौनीत, बताइए नौनीत जी, क्या मामला था आपके ये फैमिली फ्रेंड बताए जा रहे हैं, क्यों हुआ ये घटना, क्या इसे आप आत्महत्या मानते हैं या हत्या? देखिए, जो हालात समझ में आ रहे हैं उसमें तो हमारी निगाह के मुताबिक तो ये है तो आत्महत्या, लेकिन क्योंकि पुलिस ही इसकी जांच करके बता पाई कि आखिर है क्या। मुझे इनकी जो मुखिया, जो बुजुर्ग माता जी हैं जो डेथ हुई है जिनकी, उनकी बहन के दामाद जिनका नाम अर्जुन ठुकराल है, असल में वही यहाँ पर इनके सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं और वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। उनका मुझे फ़ोन आया लगभग 8:10 के करीब कि नवनीत जी, जो ललित है जिनका प्लाईबोर्ड का काम है, उनके सारे के सारे परिवार ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन आत्महत्या का कारण आपको वजह चूंकि कोई लोन होगा, कोई कर्ज होगा, किसी भी तरीके से ऐसा उन्होंने किसी के साथ कभी भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये अपनी कोई भी बात है, अपने बहनोई जो मासी के दामाद हैं उनके साथ अपनी बात का जिक्र जरूर करते थे, अर्जुन ठुकराल जी के साथ, तो उन्होंने कोई भी ऐसी कोई बात नहीं अपने इनको अर्जुन ठुकराल जी को बताई है। नौनी जी, ऐसा क्यों लगता है कि एक ही साथ सभी परिवार के सदस्यों का कंसेंसस बन गया होगा आत्महत्या करने के लिए? देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा पा रहा है, क्योंकि परिवार की जो परिवार का सिलसिला इतना धार्मिक स्थिति में है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल। आप देख सकते हैं राहुल, मनोज तिवारी भी आए हुए हैं मुआयना करने के लिए, घटना का मुआयना करने के लिए। जो सांसद हैं उत्तरी
वक्त आप देख सकते हैं मनोज तिवारी यहां पहुंचे हैं और सीधे वो जहां पर घटना स्थल है उस घर का मुआयना करेंगे। और अभी फिलहाल सांसद मनोज तिवारी चूंकि बुराड़ी क्षेत्र में आता है, उनका सांसद का क्षेत्र, वो यहां पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद वो जब पूरे घर का मुआयना करेंगे, चूंकि पुलिस की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। और फिलहाल जिस तरह से जो फैमिली फ्रेंड्स ने साफ तौर पे बताया कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन एक प्रश्न जरूर है कि क्या सभी सदस्य का कंसेंसस आत्महत्या के लिए एक साथ तैयार हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन पुलिस जिस तरह से पूरे मामले की जांच कर रही है, हत्या भी हो सकता है चूंकि, लेकिन साफ तौर पर ये पहली बार हो रही है बहुत देर के बाद कि 11 सदस्य एक साथ आत्महत्या कर रहे हो, लेकिन ये भी एक प्रश्न उठता है कि ये सभी सदस्य एक साथ कैसे आत्महत्या कर सकते हैं, क्या उन पर बहुत बड़ा कर्ज था, पैसे की तंगी थी। लेकिन जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि काफी खुशहाल परिवार था, 20-22 सालों से इस पूरे इलाके में वो रहता था, दूध का कारोबार था, फर्नीचर का कारोबार था, दो भाई। कुमार आप हमारे साथ बने रहिए, आप ही ने थोड़ी देर पहले यहाँ के लोगों से बातचीत की थी, वो जरा दर्शकों को दिखा देते हैं, समझा देते हैं। कुमार पुष्कल यहाँ पर काफी देर से है, उन्होंने बातचीत किया है कुछ स्थानीय लोगों से, वो आपको दिखाते हैं। ये घटना कब आपको मिली सूचना? हमें तो ये टीवी पे मिली है, टीवी पे देख के मिले हैं, हम तो दूर रहते थोड़ा सा, और बाकी तो जानकारी यहीं से पता चला कि यहाँ 11 लोगों के वो हो गए। तो कुछ आसपास से पता चला कि कैसे आत्महत्या का मामला है? हत्या के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा, मतलब इस परिवार के बारे में जानकारी, किस तरह का परिवार था? नहीं, परिवार के बारे में तो जानते, लेकिन बता रहे थे ये लकड़ी के कारोबार वाले थे और आदमी तो अच्छे थे। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक सनसनी फैलाने वाला मामला सामने आया है, एक घर से 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। ये बुराड़ी के संत नगर का इलाका है और इस घर से 11 शव मिले हैं, जिसमें से 7 महिलाओं के जबकि 4 पुरुष के हैं, सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, हालांकि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, पुलिस हर पहलुओं की जाँच कर रही है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार सभी शव कमरे में लटके हुए थे और कुछ के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। एक साथ 11 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं। पूरा परिवार दूध और फर्नीचर कारोबार से जुड़ा हुआ था, लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो इलाका है, जो घर है, उसको पूरी तरह से पुलिस ने घेर लिया है और फिलहाल जांच जारी है। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। पुष्कल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कल, इस परिवार के बारे में कुछ जानकारी मिली हुई, यहाँ के लोगों का कैसा व्यवहार था उनके प्रति और उन लोगों का व्यवहार कैसा था, जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। आप तो वहाँ काफी देर से हैं और काफी लोगों से बातचीत भी आपने की है। देखिए राहुल, जिस तरह से तमाम लोग जो आसपास के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है और एक फैमिली फ्रेंड्स भी है, साफ तौर पे कहा कि काफ़ी खुशहाल परिवार था, 20-22 सालों से ये संत नगर इलाके में रह रहे थे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से भाटिया परिवार कहा जाता था और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है, अभी साफ तौर पर ये नहीं है कि क्या उन्होंने आत्महत्या की या इस पूरे परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है, ये भी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से प्राइमरी फेसी है पुलिस के अनुसार, ये आत्महत्या का मामला साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि जो जाला है घर का, उस जाले, लोहे के जाले से तमाम 10 शव लटके पड़े थे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सभी परिवारों में कंसेंसस था आत्महत्या के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस की टीम अंदर है, फॉरेंसिक की टीम अंदर है, क्राइम टीम अंदर है, जो पुलिस के सभी आला अधिकारी फिलहाल घर के अंदर हैं और फिलहाल जो डेड बॉडी है अभी भी घर के अंदर है, फिलहाल उसे पोस्टमार्टम के लिए घर से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से साफ तौर पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया है कि एक ही परिवार के 11 लोगों की एक ही घर में मौत हो जाती है, फिलहाल आप देख सकते हैं लोग यहां पर खड़े हैं, पूरे इलाके को घेरा गया है, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है, केवल मीडिया की टीम और पुलिस के जवान यहां पर मौजूद है। जी राहुल, तो बिल्कुल अहम जानकारी दे रहे हैं तमाम। पुष्कल जरा ये भी जानना चाहेंगे आपसे, तमाम लोग वहां पर तो खड़े ही हैं, पुलिस भी है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है?
देखिए राहुल, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो शव है वो घर में है, वहाँ पर फॉरेंसिक टीम पूरी जांच कर रही है, शव की जांच कर रही है और एक एक क्लू को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम भी यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय लगेगा, जब तक एविडेंस दिल्ली पुलिस कलेक्ट नहीं करती तब तक शव को यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। फिलहाल 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल जिस तरह से आपने देखा कि सांसद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी यहाँ पर, और ये मैं बता दूं कि एम्बुलेंस भी आ चुकी है शव को ले जाने के लिए, तो एम्बुलेंस तैयार खड़ी है कि जब शव को यहाँ से मॉर्चरी की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि अभी जो फॉरेंसिक टीम है, क्राइम टीम है, एविडेंस जुटाने में यहाँ पर लगी है। जी राहुल, तो क्राइम सीन से मीडिया को दूर रखा गया है। ये थोड़ी दूर पर हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल हैं। अभी मॉर्चरी ले जाने के लिए गाड़ी आ चुकी है, अभी शव कमरे में ही है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन कई हैरान करने वाली बातें हैं, कुमार पुष्कल भी इस बात का जिक्र ही कर रहे थे। बताया जा रहा है, प्राइम ऑफेसी पुलिस ये कह रही है कि 10 लोगों ने आत्महत्या किया है, एक बुजुर्ग महिला जो थी उसमें 11वीं सदस्य, उसकी गला दबाकर हत्या की है। लेकिन एक सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है, अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही समझ जाएगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने आत्महत्या की है तो आंखों पर पट्टी कैसे बंधी है, हाथों में पट्टी कैसे बंधी है और पैरों में पट्टी कैसे बंधी है, ये सवाल है जो पुलिस तलाश रही, इनका जवाब तलाश रही है। तो ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, ये वही घर है। कुमार पुष्कल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद मनोज तिवारी और सुबह से ही तमाम नेता आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे यहाँ के स्थानीय लोगों को ये जानकारी हुई कि इन लोगों के परिवार से कोई बाहर नहीं आया, जब वो अंदर गए तो हैरान कर देने वाला नज़ारा था। सभी 11 के 11 सदस्यों की मौत हो गई थी और कुमार पुष्कल इस वक्त मौजूद हैं। कुमार पुष्कल, क्राइम सीन जरा दिखाइए, वहां पर क्या माहौल है और क्या कुछ हो रहा है वो भी हमारे दर्शकों को बताते हुए दिखाइए। देखिए राहुल, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा सा जो नज़ारा है यहाँ का जो पैन करके दिखाए कि काफ़ी भीड़ है और पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं अभी भी घर में मौजूद हैं, क्राइम टीम घर में मौजूद है, फॉरेंसिक टीम घर में मौजूद है, जो अभी भी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए तैयारी कर रही है कि तमाम जो शव हैं, डेड बॉडी हैं, अभी भी घर में मौजूद है। उसके लिए एम्बुलेंस भी आ चुका है शव को ले जाने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सवाल उठता है कि इस पूरे परिवार ने एक साथ खुदकुशी कैसे की, किस तरह से परिवार में कंसेंसस बना खुदकुशी करने के लिए, क्या बहुत बड़ा कर्जा था, क्या लोन था, पैसे की कमी थी, पैसे की तंगी थी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से आसपास के लोग हैं वो साफ तौर पर ये साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें किस तरह की दिक्कतें थी, क्योंकि एक साथ 11 लोगों का जो खुदकुशी है एक तरह से रहस्य जरूर बना हुआ, सस्पेंस जरूर बना हुआ है। लेकिन साफ तौर पे कई घटनाएं ऐसे भी सामने आती हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है तमाम सदस्यों को मारकर खुद आत्महत्या कर लेता है, ये भी एक एंगल दिल्ली पुलिस इस पर देख सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ब्रूटली हत्या की गई है या आत्महत्या की गई है, कईयों के आंख बांधे गए थे, हाथ बांधे हुए हैं, जाले में लटके हुए थे और ये भी कहा जा रहा है कि एक जो बुजुर्ग महिला है, माँ है, उसकी गला दाबी गई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इन्वेस्टिगेशन की का विषय है, आखिरकार ये हंसता खेलता परिवार कैसे मौत के नींद में सो गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल। पुष्कल, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर और आ गई है उत्तराखंड।